क्षेत्रीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए आरक्षण सूची पर 8 मार्च तक आई आपत्तियों का निस्तारण 10 मार्च से शुरू किया गया। विकास भवन के सभागार में बुधवार को जनपद के 12 विकास खंडों की आपत्तियों का निस्तारण किया गया। गौरतलब है कि आरक्षण सूची पर आने वाली आपत्तियों के निस्तारण के लिए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 4 सदस्यीय टीम गठित की गई, जिसके तहत आपत्ति दर्ज करने वाले लोगों को बुलाकर उनके साथ बैठक की गई और उनके द्वारा दर्ज किए गए आपत्तियों पर चर्चा के बाद देर शाम तक 12 विकास खंडों की आपत्तियों का निस्तारण किया गया, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि अधिकतर आपत्तियां एससी और एसटी को लेकर थी। उन्होंने बताया कि जिले में 6 न्याय पंचायत का आरक्षण एसटी जाति के लिए किया गया है, लेकिन इस समय उन न्याय पंचायतों में कहीं भी एसटी जाति का कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि 11 मार्च को शेष 8 बचे विकास खंडों के आरक्षण सूची पर आई आपत्तियों का निस्तारण कर 15 मार्च को शासन को भेज दिया जाएगा, उसके बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। हाँ, वो तो नियम है ना। नियम कैसे है सर? वो तो 2045 का रहा है और आप 15 को भी पूरा जो है 45 मांग रहे हैं। तो बन नहीं, 95 जो है ऐसी दशा में जो है ग्राम सभा जो है जो हेल होनी चाहिए महिला जैसी, वो तो वंचित रह गई। तो फिर 25 साल के बाद नंबर आएगा? 5 साल ये रोटेशन नहीं, रोटेशन चेंज नहीं हो रहा है आपका। जैसे 2021 की जनगणना होगी सर और पूरा जनसंख्या चेंज होगी, ठीक है सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन सर ये तो भी देखना है कि कौन सी ग्राम सभा ये नहीं हो पाई, कौन सी ग्राम सभा ये नहीं हो पाई। आज कुल 12 बार ब्लॉक की आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। ये जो ब्लॉक है ये है बांसगांव, भटहट, चरगावा, खोराबार, इसके अलावा ब्रह्मपुर और उरवा, बेलघाट। इन सभी ब्लॉक के जो भी आपत्तियां ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत वार्ड और क्षेत्र पंचायत वार्ड से संबंधित जो भी आपत्तियां थी उसका निस्तारण आज किया गया है। इसके अलावा कल जो बाकी 8 ब्लॉक हैं, बचे 8 ब्लॉक हैं, उनके प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत वार्ड के मेंबर्स का जो भी आपत्तियां उसको निस्तारित की जाएगी। और 12 तारीख को जिला पंचायत सदस्य और प्रमुख पदों का जो भी आपत्ति आई है उसका निस्तारण 12 तारीख को करके फाइनल निस्तारण करा के कमेटी के अप्रूवल के बाद 14 या 13 को अनंतिम प्रकाशन करके 15 तक उसे निर्देशालय भेज दिया जाएगा। अगर सर आपत्तियां जो थी वो वही थे कि हमारा गांव एससी है तो ओबीसी हो जाए, ओबीसी है तो सामान्य हो जाए, या मेरा वार्ड जो है इस बार 32 नंबर पिछली बार इसमें था फिर इस बार इसमें कैसे हो गया, तो कुछ लोगों को क्रमांक के आधार पर वार्ड का होना है आरक्षण, ये चीजें बताई गई। कैसे हुआ गया नियमानुसार वो भी लोगों को बताया गया। तो ज्यादातर वार्ड जो था जो किस कैटेगरी का है वार्ड या जो प्रधान प्रधान का चाहिए है उस कैटेगरी के जगह पर किसी अन्य कैटेगरी का चाह रहे थे। नई जानकारी चुनाव से संबंधित बस यही है। और दूसरा तो वही एसटी वाले में हम आपको बताए थे कि फिर से उसमें है कि जिलाधिकारी महोदय की तरफ से जितनी आपत्तियां इस तरह की आई थी 6 ग्राम पंचायतों से और 2 क्षेत्र पंचायत सदस्यों की कि यहाँ पर एसटी की जनसंख्या निवास नहीं करती है, इसीलिए एसटी का जो भी आरक्षित जो है जो जो है आपके ग्राम पंचायत या वार्ड सदस्य उसको उस कैटेगरी के आरक्षित ना रखा जाए। ये सारी आपत्तियों को हम लोगों ने संकलित करके शासन के दिशा निर्देश की तरफ दिशा निर्देश के लिए मार्ग निर्देश के लिए डीएम साहब की तरफ से भेजा है।